अभी आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कराती हूँ। थोड़ी सी कुर्सी से अपनी पीठ अलग कर लीजिए और थोड़ा सीधा होकर बैठिए। अब आप एक श्वास भरिए इस तरह से कि श्वास से आपका पेट फूले। धीरे धीरे लीजिएगा श्वास। अब आपका श्वास यहां तक है, लेकिन अभी थोड़ा और खींचेंगे तो छाती तलक, थोड़ा और लंबा श्वास भरेंगे तो। और अगर थोड़ा ऐसा हाथ खोल के एक और खींचेंगे तो ये जो आपकी क्लेवेकुल बोन है यहां तलक, वो हवा जो है वो भर जाएगी। एक बार अब इसको आप करिएगा। पहले श्वास भरिए, पेट पे ध्यान रखिएगा। श्वास भरिए पेट तक, थोड़ा और भरिए सीना, और फिर छोड़िए। यहां से गई, यहां से गई, यहां से गई। नॉर्मली हम बेहोश रहते हैं और श्वास पूरा गहरा नहीं भरते हैं। ये इसको मैं कहती हूं यौगिक ब्रीदिंग। अब इसका जो अभ्यास है उसको करने के लिए थोड़ी देर एक बार फिर से करते हैं। यहां नाभि के ऊपर अपना हाथ रखिए, दायना। कीप योर हैंड ऑन योर नेवल और एक श्वास भरिए। और श्वास भरने से आपका ये उदर जो है, पेट जो है, ये थोड़ा सा फूलेगा। आप इसको घर में जरूर करिएगा। शुरू में यहाँ नाभि पे हाथ रख लिया, कम से कम 11 या 21 श्वास भरे छोड़े कि आपको जो फिजिकल मूवमेंट है स्टमक की वो महसूस हो जाए। फिर सीने पे हाथ रख और फिर बाद में कंधों पर दोनों हाथ रख के ये आपको महसूस हो। कंधे ऊँचे उठते हैं क्योंकि हमारे लंग्स अपवर्ड फैलते हैं, सामने को भी फैलते हैं, एक्चुअली पीछे को भी फैलते हैं, साइडवेज भी फैलते हैं। मैंने श्वास पूरा लंबा अंदर लिया और पूरा लंबा गहरा श्वास आपने बाहर छोड़ा। अब ये क्या करेगा, आप इसे कल सुबह जरूर करिएगा। आप देखेंगे कि इससे आपकी नाड़ी गति शिथिल होने लग जाती है, हार्ट रेट कम होने लग जाता है, जिसके प्रभाव से शरीर में एंजाइटी, जो मन में एंजाइटी होती है, जो तनाव आता है, वो तनाव जाने लग जाता है, एंजाइटी का लेवल कम होने लग जाता है। और आपका जो हार्मोनल सिस्टम है, जो पुरुषों और स्त्रियों में बराबर होता है, उस हार्मोनल सिस्टम की एक्टिविटी बड़ी अच्छी बैलेंस की तरफ धीरे 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 जाना शुरू हो जाती है। इसलिए क्रोध से आप किसी और का नुकसान नहीं करते हैं, क्रोध से सिर्फ तुम अपना नुकसान करते हो। इसी तरह जब तुम चिंता करते हो तो किसी और का कुछ चिंता करने से तो तुम सुधार नहीं कुछ भी पाओगे। जब चिंता करते हो तो बस अपना ही बिगाड़ होता है। और जब तुम बात बात में दुखी रह जाते हो तो दुखी होने से भी क्या होता है, दुखी होने से भी आप अपने शरीर को रोगी करते हो। और तुम लेफ्ट राइट अपने देख लेना, घर हो, परिवार हो, फैमिली हो, पड़ोसी हो, आपके बिजनेस के, आपके ऑफिस के लोग हो, आपको थोड़ा ये नज़ारा सब जगह मिल जाएगा। शरीर से स्वस्थ थोड़े लोग कम हैं आज और मन से बीमार थोड़े ज़्यादा हैं आज। कारण साधन नहीं है, भक्ति नहीं है। तो जब जीवन में भक्ति नहीं होगी, जब जीवन में कोई आराधना नहीं होगी, जब जीवन में कोई साधन नहीं होगी, तो फिर शरीर तो कष्ट पाएगा ही ना। शरीर तो फिर स्वस्थ कैसे रह सकता है।